हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने विंडोज 10 को एक कूल डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही बेसिक स्क्रीन और थीम को अप्लाई करने के बाद। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपको विंडोज 10 डेस्कटॉप, DeviantArt की वेबसाइट और रेन मीटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो ये रहा मेरा डेस्कटॉप जो कि मैंने फ्रेश एकदम क्लीन करके रखा है। यहाँ कोई भी मैस नहीं है, एकदम क्लीन है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो कि मेरे डेली ड्राइवर्स हैं, उन्हें मैं डेली यूज़ करता हूँ। तो हमें इंस्टॉल करना है एक एक करके हर एक पर्सनलाइजेशन का सेटअप। तो ये रहे कुछ थीम्स, लेकिन सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है रेन मीटर। तो चलिए हम डाउनलोड करते हैं रेन मीटर। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज यू कैन पुट कीवर्ड ऑफ रेन मीटर ऑन गूगल। ये आपको डायरेक्टली फर्स्ट रैंक पे मिल जाएगा, आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दो सेटअप अवेलेबल होंगे, फर्स्ट वन इज़ बेटा, सेकेंड वन इज़ स्टेबल। बेटा आपको पता होगा, बेटा वाला वर्जन जो होता है वो थोड़े बहुत बग्स होते हैं उसमें, लेकिन काफ़ी अच्छे फीचर्स रहते हैं। तो ये जो है 8 February का अवेलेबल है, और जो फाइनल रिलीज that you can call stable is available of 6 November 2017। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ बेटा वर्जन, क्योंकि मुझे इसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो 2.30 MB इसका साइज़ है, ज़्यादा भारी नहीं है, आपके सिस्टम में आसानी से चल जाएगा और पुराने सिस्टम में भी। तो चलिए हम चलते हैं इसके डायरेक्टरी पे। ये रहा इसका सेटअप, आप इसे रन एज एडमिन भी कर सकते हैं और मैन्युअली इसे रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, पोर्टेबल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं आप या फिर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के साथ जाना चाहते हैं। आप यहाँ पे चेक कर दीजिएगा अगर आपका 64-bit का वर्जन है, और इसे स्टार्टअप में भी चलने दीजिएगा। ओके, तो ये जो इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है, अब मैं चलता हूँ आपको लेके डेस्कटॉप पे और वहाँ दिखाता हूँ किस तरह का इसका स्किन अपीयरेंस दिखता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे वेलकम टू रेन मीटर, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपका ये जो रेन मीटर है इंस्टॉल हो चुका है, और इसकी जितने भी स्किन होगी वो डॉक्यूमेंट रेन मीटर के फोल्डर के अंदर होगी। यहाँ पे जो भी आप अलग से चेंजेस करेंगे, पेस्ट करेंगे, जितने भी स्किन्स वो सब यहाँ अपीयर होंगी। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ वाले स्किन्स हैं। अगर आप इन्हें डेस्कटॉप में रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन हमें डेस्कटॉप को अलग तरह से कस्टमाइज़ करना है तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें अनलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया क्लीन। अब हमें चलना है दूसरे स्टेप पे, जहाँ हमें डाउनलोड करने हैं इसके स्किन और थीम्स। तो वो लिंक्स फिर से डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, बस क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिएगा इन स्किन्स को। ओके, ये हो चुका है डाउनलोड, इस पर डबल क्लिक करना है आपको। और इस टाइम आप अपने वाईफाई को बंद कर दें ताकि इसमें कोई एरर ना आए। मैंने देखा है कभी कभार नेट ऑन होते हुए अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं और माउस को ले जाते हैं इसके ऊपर, तो लिखा आता है रेन मीटर स्टॉप वर्किंग। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप पहले वाईफाई ऑफ कर दें। तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है, आप इसे जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ये नीचे डार्क एरिया में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हम दूसरा पैकेज कर लेते हैं, इसमें कुछ वॉलपेपर्स है, एक्स्ट्रा स्किन्स हैं, और इसे भी हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये किया मैंने वाईफाई ऑन, और मैं क्लिक करने जा रहा हूँ डाउनलोड पे। इसका साइज़ जो है 16.3 MB है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसे हम फटाफट कर लेते हैं। ये हो चुका डाउनलोड, अब मैं वाईफाई को फिर से ऑफ कर देता हूँ और फिर इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये क्लिक किया मैंने इंस्टॉल, और यहाँ सब चीज़ पर चेक है, इसे ऐसे रहने देते हैं। ओके, तो इसके अंदर जितने भी पैकेज थे वो सब इंस्टॉल हो गए हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे वॉलपेपर और जितने भी क्लॉक स्किन भी जो हमने इवन अप्लाई किया था वो भी गायब हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी आपको अलग से स्किन पसंद है उसे रख सकते हैं। और ये ब्राइट है वॉलपेपर, तो वॉलपेपर भी हम चेंज कर देते हैं। उसके लिए आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में, रेन मीटर के अंदर, स्किन के अंदर, और जो थीम है जो कि स्किन हमने अभी इंस्टॉल किया वो है सिम्पलॉन। और इसके रिसोर्सेज के अंदर आपको टाइम ऑफ डे वॉल के अंदर सारे थीम मिल जाएंगे, सॉरी वॉलपेपर मिल जाएंगे। तो ब्राइट वाले मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हर रीस्टार्ट के बाद आपके पास एक नया वॉलपेपर आएगा। तो जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा वॉलपेपर है, अगर आप चाहते हो उसे आप इस डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर दें। ये किया मैंने अनलोड स्किन, और ये भी अगर आप चाहते रख सकते हैं, अदरवाइज रिमूव कर दीजिए। ये रिसर्च बार, इसकी मुझे ज़रूरत है। अब बाकी जो है वो दो चीज़ें, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ म्यूज़िक विजुलाइज़र की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं टास्क बार को हाइड कर देता हूँ। ये चलते हैं टास्क बार की सेटिंग पे, क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली हाइड। ओके, तो ये हो चुका है हाइड। अब मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर थोड़ा सा खींच देता हूँ ताकि हम इसे बाद में अपने तरफ से एडजस्ट कर सकें। तो चलिए मैं इसे वापस उसके सेटिंग पे चेंज कर देता हूँ ताकि टास्क बार वहीं रहे। और ये हो चुका काफ़ी चेंजेस। तो चलिए वॉलपेपर को भी हम चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा।
ये है डार्क ओके, सो इट इज़ मच बेटर देन द अर्लियर वन, और इससे हम इसे अलाइन कर देते हैं मिडल में। ओके तो क्लॉक भी हमने कर दिया है एडजस्ट, और आइकन्स जितने भी आपके पास डेस्कटॉप में होंगे आप उसे ऊपर अलाइन कर सकते हैं, और जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लेवर आप देंगे, जो कस्टमाइजेशन आप देंगे, वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। ओके तो चलिए हम इस क्लॉक को भी हटा देते हैं क्योंकि हमें अपना क्लॉक स्क्रीन लगाना है। तो उसके लिए आपको आना है नीचे बॉटम डाउन रेन मीटर पर क्लिक करना है, मैनेज पर जाना है और इस वाले पैकेज पर आना है जिसका नाम है ला कंपैगन क्लॉक। तो यहाँ दो लैंग्वेजेस अवेलेबल है, एक है डिटर्श और एक है इंग्लिश। इंग्लिश वाला हमें चाहिए, हम इसे लोड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इस टाइम भी वाईफाई बंद है यानी कोई एरर नहीं दिखा रहा है। ओके तो इसे किया मैंने डेस्कटॉप के बीच में, ठीक है। तो इसमें जो है क्लॉक जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट के साथ है, जो डे बता रहा है वीक का वो थोड़ा डार्क है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे क्लिक थ्रू में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि कोई इसे हिला ना सके, ना कोई चेंज कर सके, और ये जो है अब क्लिक थ्रू बन गया। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आप चाहे माउस इस पर रगड़ते रहिए, ये नहीं हिलने वाला। ठीक इसी तरह से आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे क्लिक थ्रू कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, गूगल सर्च के साथ ये काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, सेव पोजिशन पर ये चेक रहना चाहिए ताकि ये इसी जगह पे रहे। ओके तो अब हम इसके म्यूज़िक विजुलाइजर में चेंज करना है, तो इसको हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, क्योंकि जब ये प्ले होता है तो ये कम्प्लीटली डार्क वाइट रहता है, तो इसमें हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ले आते हैं। इसको मैं देता हूँ करीब 50%। ओके तो अब जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं इसमें एक म्यूज़िक प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसका म्यूज़िक विजुलाइजर कैसा दिखता है। मैं चलता हूँ NCS पे, और ये ना, तो यहाँ गाना स्टार्ट हो चुका है। मैं गाना प्ले नहीं करूँगा, वैसे भी क्या पता कॉपीराइट क्लेम लग जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, विजुलाइजेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, म्यूज़िक जो है अब उस हिसाब से अपने आप चेंज हो रहा है। तो ये है काफ़ी हद तक का सेटअप। तो सेटअप यहाँ लगभग कंप्लीट हो चुका है, अगर आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसे बंद कर दूं या फिर बैकग्राउंड में चलने दूं तो ये तब तक काम करेगा। ये किया मैंने पॉज प्ले, तो ये उसी हिसाब से काम कर रहा है। अब जो ये गूगल सर्च है, ये है विंडोज़ 10 लिखे हैं, जो भी लिखे हैं आप, ये डायरेक्टली आपके क्रोम या जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके साथ सर्च होगा और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा जो आप चाहते हैं। तो यहाँ हमने इंस्टॉलेशन किया रेन मीटर का सबसे पहले, उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन किया क्लॉक स्क्रीन का, उसके बाद किया हमने वॉलपेपर चेंजेस, और जितने भी चेंजेस हमने किए हैं आप उसे बार बार देख सकते हैं कि कैसे करना है कंप्लीट। ये बहुत ही आसान तरीका था, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। और अब हमें लास्ट एक और कस्टमाइजेशन जो करना है वो है इसके टास्क बार में। टास्क बार को मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा मिडल में रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये किया मैंने अनलॉक, लिंक यहाँ दे दिया, और इसे मैं करता हूँ इस साइड, ये आ गया मिडल में, ठीक है। ओके तो अब जो है इसका हम टेक्स्ट भी हटा देते हैं, टाइटल सब हटा देते हैं, और इसे वापस लॉक कर देते हैं थोड़ा सा इधर, और ये किया लॉक। तो अब जो है सारे आइकन्स मिडल में आ गए हैं। अब ये बहुत ही अलग लग रहा है, दिस इज़ फार वे वे बेटर देन द अर्लियर वन, क्योंकि जो बोरिंग डेस्कटॉप होता है उससे तो लाखों गुना अच्छा। और जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ ऊपर होंगे, तो ये एप्पल भी मेरे ख्याल से इतना अच्छा सुंदर लगता नहीं है जो इसमें लग रहा है। So that's pretty much it for this video, guys. I hope you enjoy. If you do, don't forget to smash the like button. For more tips, tricks, and hacks, subscribe my channel. And as always, thanks for watching. I'll catch you guys in the next video. Stay safe, have fun, goodbye.